नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं द परफेक्ट स्टडी चैनल पर। जैसा कि आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं कि हमने कल बात की थी कि सिलेबस सर डिस्कस कर लिया जाए, तो सिलेबस क्या है, क्या हमको पढ़ना है। जैसे एक चीज़ सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि सिलेबस डिस्कस करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जब भी हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं या किसी भी कार्य को करने जाते हैं तो सबसे पहले उसकी एक रूपरेखा होना बहुत ही आवश्यक है। तो हमें यह देखना ज़रूरी है कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, कितना पढ़ना है। तो यह बहुत आवश्यक हो जाता है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि जब तक हम सटीकता के साथ नहीं पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यदि हम मूल चीज़ें, यदि हम एक लिमिटेड तरीके से काम की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो हमारे पास ढेर सारा सामग्री उपलब्ध हो जाएगी और वह हमारे लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगी। तो उसके लिए ये नए पैटर्न पर आधारित आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ लेकर कि किस तरीके से हम सिलेबस को कवर करेंगे, किस तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे और किस तरीके से आसानी से अपने कार्य को पूरा करेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। और सबसे पहले इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बस एक सेकेंड। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए शिक्षण में ये जो गणित की क्लास हम लोग करेंगे इसको हम बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ते हुए, और मैं आपसे एक उम्मीद करता हूँ कि आप इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा, प्लीज़ नोट्स बनाइएगा। क्योंकि आप समझिए एक बात को, यदि आपको एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो दोबारा उसको समझने के लिए आपको वीडियो पुनः देखना पड़ेगा या मेरा कोई नया वीडियो ही देखना पड़ेगा, उसमें आपके टाइम का नुकसान होगा, आपका समय नुकसान होगा। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जब भी पढ़ें तो अपना नोट्स ज़रूर तैयार करें, यदि कहीं भी, क्योंकि जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक जो टॉपिक आप आज पढ़ेंगे हो सकता है उसमें कल कोई समस्या हो, तो उसका सलूशन आप अपने नोट्स से देख सकते हैं और हो सकता है तब उसके बाद भी अगर समझ में ना आए तब आप मुझसे पूछ सकते हैं, तब मैं आपको आसानी से बता सकता हूँ। लेकिन फिर भी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका नोट्स रेडी होना चाहिए। पढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें ये है कि पहला, आप जब भी पढ़ने बैठे तो आपके पास पेन और कॉपी ज़रूर होनी चाहिए, जो भी पढ़ाया जाए आप उसको लिखिए। दूसरा ये है कि आप अपना नोट्स ज़रूर बनाएंगे, और तीसरी बात यह है कि यह सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपने डाउट्स अगर हमसे नहीं पूछेंगे तो यह हमारे लिए भी नुकसानदायक है और आपके लिए भी नुकसानदायक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप डाउट नहीं पूछेंगे तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि आपको कहाँ समस्या हो रही है, कहाँ पढ़ने में दिक्कत आ रही है। और चौथी चीज़ है, यह आपके लिए ऐच्छिक है, आपकी इच्छा के रूप में है, लेकिन यह हमारी विनती है कि प्लीज़ आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप हमारी कमी अच्छाई या हमें कहाँ सुधार करना है, क्या करना है, आप आसानी से बता सकते हैं, खूब बेहिचक बताइएगा, जिससे हम और भी देखिए चीज़ें क्या है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं ये नहीं मानता कि कोई भी टीचर किसी को गलत पढ़ाता है या ऐसा कुछ पढ़ाता है, ना बिल्कुल नहीं, लेकिन आप एक चीज़ जानते हैं, आप एक शब्द सुने होंगे स्किल, कौशल। ये कौशल ग्रहण करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि आपको कहीं भी जैसे कोई भी टॉपिक है, कोई टीचर समझाता है समझ में आता है, कोई टीचर समझाता है तो नहीं समझ में आता है, अगर आप मुझे बताएंगे कि सर मुझे ये समझ में आ गया तो ठीक है, अगर आप कहते सर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं उसका और भी अन्य तरीका बताऊंगा, या मैं और मेहनत करने की कोशिश करूंगा, या उस चीज़ को और मैं एनालिसिस करूँगा कि कहाँ क्या दिक्कत हो रही है, उसको खंड खंड करके आपको बताऊँगा, तो आपको आसानी से समझ में आएगी चीज़ें। और उससे भी ज़रूरी बात मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई चीज़ पढ़ें तो आप हमेशा ये सोचिए कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं ये चीज़ आपको किसी और को पढ़ाना है। बात समझिएगा मेरी, बहुत इम्पॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, किसी और को भी पढ़ाना है। इसका मतलब ये है कि तब आप उसकी बारीकियों का ध्यान देंगे, यदि आप उसकी बारीकियों का ध्यान दे देंगे तब वहीं पर आपको इस विषय में महारत हासिल हो जाएगी। बस इतना सा कहना है कि किसी भी चीज़ को अगर कोई टॉपिक पढ़े तो आपका उद्देश्य केवल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे प्रश्न सॉल्व करना है, उत्तर आ गया, बात खत्म, ना। हमको किस चीज़ की परीक्षा देनी है, सीटेट की, और सीटेट में एक खास बात यह है कि 50% क्वेश्चन किस चीज़ के होते हैं, आपके विचार के होते हैं, और 50% आपके ज्ञान के होते हैं।
तो विचार और ज्ञान दोनों का कॉम्बिनेशन बेहतरीन होगा, तब जाके आप सीटेट में 120 नंबर ला पाएंगे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आपके लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉर्टेंट ना हो, जितना कुछ बताया जाए वह सब कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस चीज़ का ध्यान देते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 गणित का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह हर सब्जेक्ट में पहले ये सोचिए कि 5 पार्ट है और प्रत्येक पार्ट कितने नंबर का है, 30 नंबर का, और प्रत्येक पार्ट में 15 नंबर आपका शिक्षण से है और 15 नंबर किससे है, आपकी उस विषय वस्तु से है। ठीक, जैसे देखिए पहला क्या है भाग विषय वस्तु, कि गणित का जो न्यूमेरिकल पार्ट है या आप कह सकते हैं संख्या से संबंधित पार्ट या सूत्र कह सकते हैं या मुख्य गणित जो मूल गणित होती है उसकी बात कह सकते हैं। मूल गणित से संबंधित 15 प्रश्न रहेंगे और गणित शिक्षण शास्त्र से संबंधित कितने प्रश्न रहेंगे, 15 प्रश्न। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है, ये 15-15 अलग तो भरे छांट दिए जाते हैं, लेकिन एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा कि इन दोनों से मिला जुला प्रश्न आता है। ऐसा नहीं है कि प्रश्न जो है आपके सामने जब भी आएगा तो वह केवल मूल रूप से केवल विषय वस्तु से होगा या मूल रूप से केवल गणित शिक्षण शास्त्र से होगा, बिल्कुल नहीं। प्रश्न हो सकता है दोनों के कॉम्बिनेशन से संबंधित हो, जैसे मैं पिछले वीडियो में मैं एक क्वेश्चन करवाया था जब मैं प्रीवियस ईयर का पेपर करवा रहा था, तो उसमें आप देखे होंगे कि एक चीज़ थी जो एक लड़का था जो स्थानीय मान वाला जो घटाना गलत कर रहा था, वो देखिए घटाने की प्रक्रिया वो आपकी विषय वस्तु से हो गई, जबकि उसमें जो प्रश्न पूछे जो आपके विचार पूछा वो गणित शिक्षण शास्त्र से हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो चलिए आज एक नज़र डालते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है इसके बारे में। देखिए दोस्तों, विषय वस्तु में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका, संख्या पद्धति। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए है, क्योंकि संख्या पद्धति एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हर एक चीज़ समाया हुआ है, और जिसको एक बार इसका ज्ञान हो गया मैं ये दावा करता हूँ कि वह आसानी से पूरी गणित को समझ ले जाएगा। और सीटेट हो या टेट हो, आप देखिएगा कि गणित के 15 जो विषय वस्तु के प्रश्न होते हैं, 15 ही नहीं बल्कि जो 15 शिक्षण के भी होते हैं, 15-15-30 प्रश्नों में से सब में मिलाकर आप देखिएगा तकरीबन आपको इसका अराउंड 10-12 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन आपके संख्या पद्धति के ही इर्द गिर्द रहेंगे, कम से कम ये मैं बता रहा हूँ। आप देखिएगा जैसे इन सब चीज़ों का ये अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ, इसका निष्कर्ष मैंने इस पर रिसर्च किया है तब बता रहा हूँ। आप देखिएगा जब आप खुद पढ़ने लगेंगे, जब काफ़ी टॉपिक खत्म हो गया रहा होगा, आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्या पद्धति में ये देखिए सिलेबस, आप ये मैंने अलग से नहीं बनाया, जो सीटेट का सिलेबस वही है, लेकिन इसको मैंने अपने तरीके से बनाया कि हर एक चीज़ का एक क्रम होता है कैसे हम पढ़ेंगे, काफ़ी एनालिसिस के बाद मैंने इसको बनाया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यह बिल्कुल आपके काम की चीज़ है, और इस सबको आप नोट भी कर लीजिएगा, हालांकि मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन फिर भी सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, पहला टॉपिक हमारा होगा। दूसरा जो अक्सर कोई नहीं बताता, मैं इस पर सबसे ज़्यादा जोर देता हूँ कि गणितीय शब्दावली क्या है, कि जैसे भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, सह अभाज्य क्या होता है, ठीक है, सार्वगुणज क्या होता है, गुणज क्या होता है, अपवर्त क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सबकी इंग्लिश भी मैं बताऊंगा और हिंदी भी बताऊंगा, तो इस तरीके से साथ साथ उसको लेके चलेंगे। एक बार आप शब्द का अर्थ जानते रहेंगे तो प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। उसके बाद गणित की मूल संक्रियाएं, जैसे देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आपके लिए कोई भी चीज़ें छोटी या कोई भी चीज़ें बड़ी नहीं है। जैसे मैं कह दिया गणित की मूल संक्रियाओं के बारे में बात करेंगे, तो मूल संक्रिया क्या है, मुख्य यही है, प्लस माइनस गुणा और भाग। लेकिन अब इसको देखकर जितने लोग ये सोच रहे हैं कि क्या सर मजाक कर रहे हैं, कि ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, जिसको ये मजाक लगेगा वही प्रश्न में गलती करेगा, उसी का प्रश्न गलत होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे लिए छोटी नहीं है, हर एक चीज़ बड़ी है। जब हम पढ़ेंगे, जब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तब आप देखिएगा कि यहाँ पर ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाता है कि जो मूल संक्रिया ही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मूल संक्रिया के बारे में ही पता नहीं होता है। चलिए और एक बात इसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि यदि इस कहीं भी इस सिलेबस में कहीं भी कोई चीज़ तो छूटी नहीं है, और इनकेस प्रश्नों को हल करने के बाद लगता है कि कुछ विशेष प्रकार की टॉपिक है जिनको भी पढ़ना बहुत आवश्यक है, तो हम जरूर पढ़ेंगे। चलिए ये संख्या पद्धति के अंदर ही क्या है, आपका स्थानीय मान है, आरोही अवरोही क्रम है, संख्या रेखा है, विभाज्यता के नियम है, साथ ही साथ इसमें देखिए पूर्ववर्ती संख्या हो गई,
ये सब इसी के अंदर आएगा, लेकिन मैं आपके मन में एक संरचना बना देना चाहता हूँ। उत्तरवर्ती संख्या हो गई, ठीक। और आप एक बार सुने होंगे, पहले कहावत होती थी कि भाज्य बराबर, ये सूत्र भी है, कहावत भी नहीं सूत्र भी है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यह एक ऐसा सूत्र है, इस पर भी आपके प्रश्न आते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, एक बात और समझिए कि प्रश्न आपके सीधे सीधे किसी भी अंक का स्थानीय मान नहीं देगा, आपके सामने ये करेगा कि आपको एकिक प्रश्न देगा। आप एकिक प्रश्न जानते हैं, सॉरी एक यहाँ पर मात्रा आपकी नहीं रहेगी, एकिक प्रश्न। और दूसरा क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इबारती प्रश्न। आप बचपन में बहुत पढ़े होंगे इबारती प्रश्न, आपकी पुस्तक में दिया रहता है कि जब अभ्यास खत्म होता है तो नीचे रहता है इबारती प्रश्न। जैसे मैं आपसे एक बात कहा कि 5 × 8 बराबर कितना होगा, आपने कहा सर 40 होगा, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि यदि एक कलम का दाम 5 रुपये है तो 8 कलम का दाम क्या होगा। तो आप जब प्रश्न को इस तरीके से पूछेंगे तो उसे क्या कहते हैं, एकिक या इबारती प्रश्न कहते हैं। संख्यात्मक प्रश्न लगाना बिल्कुल आसान होता है, जबकि एकिक प्रश्न के लिए हमें समझना पड़ता है कि वह क्या कह रहा है, इसमें मूल संक्रिया कौन सी लगेगी, इसमें गुणा लगेगा, भाग लगेगा, जोड़ लगेगा, घटाना क्या लगेगा। संख्या रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 143 था जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, इस संख्या रेखा में मैं उस प्रश्न को खूब डिटेल से क्लियर करूंगा, आप देखिएगा उसको कैसे हल करना है। आप लोग उसको समझने में देखिए, अब यहाँ बात आ गई तो एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए कोई ये ना सोचेगा कि सर सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तब तक कहाँ पहुँच गए। देखिए मित्रों, एक संख्या रेखा मान लीजिए मैं यहाँ बना दिया, अब ये संख्या रेखा हो गई, तो संख्या रेखा हमेशा बराबर भाग में बढ़ती है, ठीक इस तरीके से मान लीजिए बराबर भाग में बढ़ गई। अब मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए यहाँ 10 है, यहाँ 30 है, यहाँ क्या है 50 है। मैं बिल्कुल आसान ले रहा हूँ तब, ताकि आप समझ में आए, 10 है, 30 है, 50 है, तो आप ये बताइए कि एक जो एक खाना है ये कितने के बराबर होगा। आप देखिए अगर तुरंत दिमाग लगाइए तो यहाँ 10 है, यहाँ 30 है, तो यहाँ 20 होना चाहिए, यहाँ 40 होना चाहिए। लेकिन अगर ये बड़ी संख्या होती तो हम कैसे पता लगाएंगे, एक 10 है, एक 30 है, बीच में हमको पता लगाना है। तो पहले इन दोनों का अंतर निकालिए, 30 में से 10 का कितना बचा मित्रों, 20। अब आप बताइए एक खाना यहाँ है, एक खाना यहाँ है, 2 से भाग दीजिए, यानी एक खाने की भी कीमत क्या है 10। हर खाना कितने अंतर पर है, 10 के अंतर पर है, एक में जोड़ते चले जाइए सब मिल जाएगा। अब कहीं से हमसे पूछ ले, मान लीजिए यहाँ ए रख दिया, यहाँ बी रख दिया, यहाँ सी, सी और बी का अंतर पूछे, सी और ए का अंतर पूछे, तो कोई कठिन काम नहीं, हम तो बिल्कुल कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। फिर संख्या पद्धति आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे। देखिए उसके बाद अगला जो है टॉपिक हमको क्या पढ़ना है, लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्तक। देखिए हमेशा लोग इसको बोलने में गलती करते हैं, ये समापवर्त और वर्तक को बोलने में गलती करते हैं, अपवर्त और अपवर्तक दोनों बहुत ही बड़े शब्द हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत ध्रुव वाले शब्द हैं, इसीलिए इसको बोलने में भी गलती मत कीजिएगा। LCM बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और SCA बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप समझिए, जो इंग्लिश पढ़ते होंगे, जो इंग्लिश के बारे में हालांकि सब लोग इतना जानते होंगे, मल्टीपल और फैक्टर का मतलब क्या होता है बताइए। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणज और गुणनखंड मैं जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा, तब वो इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। खूब अच्छी चीज़ है, खूब अच्छे अच्छे से समझेंगे। और एक बात मैं और बता दूं, कोई भी जल्दी के चक्कर में नहीं रहेगा, हम जितनी भी क्लास पढ़ेंगे बिल्कुल आराम से छोटी छोटी चीज़ों को समझते रहेंगे। जैसे देखिए, बार बार क्रैश कोर्स करने से कोई मतलब नहीं है, एक बार अच्छे से क्रैश कोर्स 4 बार करना पड़ेगा, नॉर्मल क्लास 1 बार पढ़नी पड़ेगी। तो आप एक बार पहले चीज़ों को समझ लीजिए, सब कुछ आसान हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद आपका आता है भिन्न के बाद सरलीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल। देखिए ये टॉपिक में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको रखा इसलिए क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। मैं सीटेट के सिलेबस को भी ध्यान में रखा हूँ, उसका जो सीटेट का सिलेबस है वो तो इसमें है ही है, प्लस उसके साथ साथ इसमें इंक्लूड ये है कि जो और प्रकार के प्रश्न आते हैं, जिस अगर उसमें किन्हीं और चीज़ों का प्रयोग हुआ है उन प्रश्नों में किसी टॉपिक का, तो वह टॉपिक कहीं से भी आपका छूटे नहीं, इसलिए मैंने वर्ग और घन को मैं इसमें शामिल किया हूँ। बहुत आसान चीज़ है, एक दिन का काम है। चलिए उसके बाद आपका क्या है, औसत है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, साधारण ब्याज है।
आप सोचिएगा कि यह एक निश्चित क्रम है, आप ये मत सोचिएगा कि ऐसे आगे पीछे या इसी क्रम पर क्यों है, सब एक दूसरे से संबंधित है। आप संख्या पद्धति सीखेंगे तब आप क्या सीख पाएंगे, सरलीकरण सीख पाएंगे, एलसीएम सीखेंगे, फिर भिन्न सीखेंगे, भिन्न के बाद वर्ग वर्गमूल घन घनमूल सीखेंगे, उसके जस्ट बाद आप औसत सीखेंगे। हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चलिए फिर हमारा क्या है, साधारण ब्याज है और फिर क्षेत्रफल है। अब ये क्षेत्रफल सभी ज्यामितीय आकृतियों का है, समझिएगा, सभी ज्यामितीय आकृतियों का है, चाहे वह तीन भुजा वाली हो, चार भुजा वाली हो, बिंदुओं को मिलाकर बनने वाली हो, या पांच भुजा वाली, जो भी है, क्षेत्रफल सबका पढ़ेंगे हम लोग एक साथ। फिर तत्पश्चात, अच्छा क्षेत्रफल यहीं पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको, आप देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होती है 2D, एक होती है 3D। 2D का मतलब टू डायमेंशनल, मतलब द्विभिमी, जिसको एक समतल पर हम बना सकते हैं, जैसे हम कहें आयत, इसको इस समतल पर बना दिया, आयत बन गया। 3D क्या होता है, त्रिभिमी होता है, मतलब जिसका तीन डायमेंशन होता है, जैसे घन या घना बनाने को तो इसको भी बना देंगे, लेकिन इसको हम छू नहीं सक, ऐसे सैंपल पर ये ऐसे बना है। अब देखिए ये आपका घन घना हो गया, इसकी तीन भीमा हो गई, तो जो दो भीमी वाले होते हैं यानी जो 2D होता है उसका क्या निकलता है, क्षेत्रफल, और जो 3D होता है उसका क्या निकलता है, आयतन। अब मैं आपको एक प्रश्न देना चाहता हूँ और इस प्रश्न का जवाब मुझे अवश्य चाहिए। आप हमको दो चीज़ें लिखकर चाहे बताइएगा, चाहे जैसे भी बताइएगा। एक होता है अपवर्त और एक होता है अपवर्तक, ठीक, इन दोनों में अंतर आप कहीं से बताइए मुझको। एक होता है क्षेत्रफल और एक होता है आयतन। मैं आपको बता भी दिया हूँ, उसके बाद भी मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ, आप मुझको ये लिख कर दीजिएगा कि अपवर्त और अपवर्तक में क्या अंतर है, क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर है। मैं अभी आपको बताया हूँ, लेकिन फिर से आपको ये मुझे समझाना है, ऐसे लिख के भेजिएगा ताकि मैं समझ पाऊँ। और मैं बार बार कहता हूँ कि आपके पास टेलीग्राम नंबर उपलब्ध है, ये 82 99 73 58 60, ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर दोनों है, आप इस पर अपना डाउट भी भेज सकते हैं, जो भी वर्क मिलता है आपको वो भी भेज सकते हैं, ग्रुप में भी भेज सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं आप, लेकिन मुझे इसका जवाब ज़रूर चाहिए। अब आप बताइए कि यहाँ पर मैं किस विधि का प्रयोग कर रहा हूँ, ये आपकी कौन सी विधि हो गई, आगमन। सबसे पहले मैंने आपके सामने क्या किया, एक समस्या प्रस्तुत कर दिया, तत्पश्चात आपसे कहा कि अब आप अपना तर्क, चिंतन, बुद्धि, विवेक सब कुछ लगाकर उस समस्या का हल लाइए, उसका एक निष्कर्ष लाइए। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला अध्याय हमारा क्या है, आयतन का है। फिर ज्यामितीय संरचनाएं, ज्यामितीय संरचनाएं, आप अभी कहेंगे क्षेत्रफल और आयतन का है तो ज्यामितीय संरचना क्या हो गई, तो इसमें हम लोग त्रिभुज, कोण, रेखा, परिधि, वृत्त, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो प्रमेय होती है हमारी रेखा गणित की, उससे। बीजगणित ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें पढ़ना बहुत आवश्यक है, बहुत, जैसे a+b का होल स्क्वायर है ना, तो ये जो मूल सूत्र है, मूल टॉपिक है, इसको पढ़ना जरूरी है। और अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ तो ऐसे गंदी राइटिंग में लिखता हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि सर ऐसे लिखेंगे तब तो हम समझ नहीं पाएंगे, तब सुंदर सुंदर लिखा जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिएगा आप। तो बीजगणित हमको बहुत जरा सा पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। भारतीय मुद्रा की करेंसी के बारे में पढ़ना है कि रुपया पैसा कैसे क्या होता है, कैसे जोड़ते घटाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। और मापन, एक चीज़ मैं ये अपने से डाला हूँ, इसका भी आवश्यक बहुत, यह बहुत आवश्यक इसलिए है, मापन में मैं आपको बताऊँगा कि मात्रा का परिवर्तन कैसे किया जाता है, मात्रा का परिवर्तन, जैसे कि अभी आप पिछले कुछ प्रश्नों में देखे थे कि किस प्रकार घंटे में से घंटे को घटाना था, तो यहाँ से एक घंटा उधार गया तो यहाँ 60 मिनट हो गया, यहाँ से 1 kg जाएगा तो यहाँ 1000 ग्राम हो जाएगा, इसका मूल क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो वह हम किस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, मापन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद जो प्रश्न 15 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं वो इससे संबंधित आते हैं। तत्पश्चात अब गणित के शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे आते हैं, इसमें क्या है, गणित का अर्थ, प्रकृति एवं महत्व, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा एवं सामुदायिक गणित क्या है, आंकड़ों का प्रबंधन, उसके बाद क्या है, त्रुटि विश्लेषण क्या होता है, और शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित, मतलब इन दोनों से संबंधित त्रुटि विश्लेषण क्या है उसके बारे में पढ़ना है। अगला है गणित में मूल्यांकन, गणित शिक्षण की नवीन विधियाँ, शिक्षण की समस्याएँ, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण। अब देखिए ये जो चीज़ है इसके बारे में मुझे आपको ये बताना है कि देखिए जो न्यूमेरिकल से संबंधित होगा, जो गणित से संबंधित होगा, मैं कह रहा हूँ कि मैं सीटेट का प्रश्न हल करवाऊँगा पूरा का पूरा 30, जब भी करवाऊँगा, मैथ की बात कर रहा हूँ फिलहाल, ये 30 प्रश्न मैं हल करवाऊँगा, लेकिन मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊँगा, नंबर जो न्यूमेरिकल वो मैं बताऊँगा, और जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो शिक्षण है,
जो टीचिंग है आपकी वो आपको हिमांशु सर बताएंगे। और उसके बाद भी कहने का मतलब है कि उसकी मूल चीज़ें आपको हिमांशु सर भी बताएंगे, मैं भी बताऊंगा, लेकिन मूलतः आपको गणित का शिक्षण शास्त्र कौन पढ़ाएगा? हिमांशु सर पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएगा? हिमांशु सर। और उसके बाद यदि न्यूमेरिकल और शिक्षण से मिला हुआ प्रश्न, सारे प्रश्न मैं हल करवाऊंगा, जो भी टॉपिक में जहां भी समस्या होगी वहां उसको मैं हल करवाऊंगा। देखिए मैं ऐसा शिक्षण हिमांशु सर इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि वो आपको CDP पढ़ाते हैं, और आप देखिएगा कि CDP और इस गणित के शिक्षण शास्त्र में अधिकतम केवल 10% का अंतर है और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, चीज़ें आपको वही सीखनी है। तो इसको हिमांशु सर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके सामने आज सिलेबस लेकर आया हूँ, और बहुत जल्द कल या परसों से जब से भी कक्षाएँ स्टार्ट होंगी, आप कोई कार्य वगैरह करना है तो कर लीजिए या जैसे भी है, लेकिन वीडियो वगैरह को देखना जरूर बिल्कुल आवश्यक है आपके लिए। और इसके साथ ही आपके लिए कुछ चीज़ें और हैं, जो जैसे देखिए CTET का क्या है, कंप्लीट नोट्स है, CTET का कंप्लीट नोट्स आपको हमेशा मिलेगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप, इसकी फ़ीस है 199 रुपीज़। मैं आपसे कहा था कि यह कोई बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ीस नहीं है, बस इतना मानिएगा कि यह एक सहयोग राशि है जो हम लोग आप लोगों से ले रहे हैं। 199 रुपये में आप अपना मैटर पूरे अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, और कुछ नहीं कहना है। और इसमें आपको जो सुविधा मिलेगी वह क्या है कि आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 24/7 आप जब चाहें तब अपना आप डाउट सॉल्व कर सकते हैं। और केवल CDP और मैथ ही नहीं, बल्कि हम दोनों लोग मिलकर आपके 150 क्वेश्चन का जिम्मा लेते हैं। अगर आपको कहीं से भी कह रहे हैं बस आप 1 मंथ अपना हमें देखिए, और उसके बाद यदि आपका रिजल्ट बेहतर नहीं हुआ तो आप हमसे बिल्कुल प्रश्न कर सकते हैं कि सर आपने कहा था 120 का टारगेट, ये तो मुश्किल लग रहा है या आसान लग रहा है, जो भी आपको कहना होगा आप कहिएगा, ठीक है। फिलहाल ये समझ लीजिए कि हम दोनों मिलकर खूब अच्छे से आपको आपके टोटल 120 जो आपको प्राप्त करना है 150 अंक में, उसके लिए मेहनत करेंगे। CDP आपको पढ़ा रहे हैं हिमांशु सर, मैथ मेरी तरफ से पढ़ाया जा रहा है, मैथ का शिक्षण है वो उसको भी हिमांशु सर पढ़ाएंगे, और साथ साथ मैं उसका क्वेश्चन कराऊंगा, मैं बताऊंगा, जो आपका डाउट होगा उसे मैं भी सॉल्व करूंगा और हिमांशु सर भी सॉल्व करेंगे। इसके साथ आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद एवं शुभकामनाएँ, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको जो 30 क्वेश्चन वाला PDF जो 30 क्वेश्चन पढ़ाए हूँ वो समझ में आया होगा। मैं उसका PDF भिजवा दूंगा आपके पास, आप उसको फिर से हल करिएगा। जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं उसको आप 2 बार नहीं 4 बार पूछा करिए, लेकिन जब तक आ ना जाए तब तक पूछा करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।